नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, में हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं एक खबर। जबलपुर में आयोजित तो आदिवासी सम्मेलन एवं आदर्श सामूहिक विवाह महोत्सव शामिल पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के हक मारा जा रहा है। हर वर्गों के लिए जो बजट का प्रावधान था वो फिजूल खर्ची में खर्च किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाई जा रही है जो कि पूरे तरीके से अनधिकृत रूप से जो पैसा आदिवासियों के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में खर्च होना चाहिए जो भाजपा के आयोजन में खर्च हो रहा है। जबलपुर के अनुसूचित जनजाति छात्रावास में गया था वो कभी भी गिर सकता है। छात्रावास को उपराष्ट्रपति ने से शिलान्यास करा दिया गया जो बजट वापस कर दिया गया। केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक दावे के साथ यहां कह सकता हूं, जो भला अनुसूचित जाति और जनजाति का भला कांग्रेस पार्टी ने किया वो भाजपा शोषण करने वाले की पार्टी है। अनुसूचित जाति जनजाति के 1.5 लाख बैकलॉग पर्दों से भर्ती नहीं की जा रही है। व्यापम में भ्रष्टाचार है। फर्जी नाम पर डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। भाजपा की सरकार इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रही है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग जब विदेशों में जाते थे तो क्या मनमोहन सिंह की तारीफ किया करते थे। लाडली बहना योजना पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 1,000 रूपये खाते में डाल रहे हैं और गैस का सिलेंडर 50 रूपये बढ़ा दिए। शिवराज की सरकार 1 रूपये खाते में डालकर 5 रूपये जेब से निकालते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर यह हुआ है कि मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे जाने लगे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पूरे देश में आदिवासी हमारे जाति जनजाति के लोगों के हक मारे जा रहे हैं। जो उनके लिए बजट का प्रावधान रहता था वो फिजूल खर्ची में खर्च किया जा रहा है। बड़े बड़े मीटिंग बुलाई जा रही है जो कि पूरे तरीके से अनाधिकृत रूप से जो पैसा आदिवासियों के शिक्षा में स्वास्थ्य में रोजगार में खर्च होना चाहिए वो भाजपा के आयोजनों में खर्च हो रहा है। मैं अभी जबलपुर के अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास होके आया। आप जरा करीब जाकर देख लीजिए कि हालत क्या है। किसी भी समय गिर सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन शिलान्यास करवा लिया और बजट वापस कर दिया। केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं इस दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो भला अनुसूचित जाति और जनजाति का कांग्रेस पार्टी ने किया है भारतीय जनता पार्टी तो केवल शोषण करने वाले लोगों की पार्टी है। और अभी शिवराज सिंह जी 2003 से भाजपा की सरकार यहाँ है, केवल 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार छोड़ दी जाए तो गरीबों को पेंशन 300 रुपये से उन्होंने 300 रुपये एक नहीं करी थी, कमलनाथ जी ने उसको 600 किया। कर्जों किसानों का कर्जा माफ किया लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की भर्तियां नहीं हो रही है। बैकलॉग 1.5 लाख लोगों की भर्ती बैकलॉग है, क्यों भर्ती नहीं हो रही है। व्यापम में भ्रष्टाचार है, फर्जी नाम पर डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। ये सारी बातें जनमानस में है और हमें उम्मीद है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। राहुल गांधी जी अभी विदेश गए और उन्होंने जो भी कुछ बातें देश के लिए कही उसे बीजेपी देश का अपमान बता रही है और लगातार हमला बोल रही है। देश का अपमान नहीं है, देश के खिलाफ हम बोल नहीं सकते। वो परिवार जिसने देश की आजादी के लिए जेल, वो कभी परिवार देश के खिलाफ बोल सकता है? हाँ, जो जिस प्रकार से भाजपा की सरकार इस देश में